हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिना देर किए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लोबिया को अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और अब गैस पे कुकर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। कुकर में 5 स्पून ऑयल डाल देंगे। मैंने रिफाइंड डाला है, आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है हमने। बहुत ही आसानी से बन जाएगी ये सब्जी। देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट तैयार किया था हमने वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाला जितना अच्छे से भुना होगा उतनी ही सब्जी टेस्टी बनती है। बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भून चुका है अच्छे से। इसमें हम ये प्याज डाल देंगे जो हमने कद्दूकस किए थे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे और प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनना है हमने प्याज को। बहुत ही आसानी से बन जाएगी ये सब्जी और बहुत ही लाजवाब बनेगी। बहुत ज्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे हम इसमें। तो जब तक हमारा प्याज भून रहा है तब तक हम ये मसाले जो हमने लिए थे इन मसालों को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे और रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकूं। और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की वीडियो आप तक पहुँच सके। ये देखिए गाइस, हमारा प्याज भी भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, ये भी हमने कद्दूकस किए थे, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से भूनना है हमने। अब टमाटर में हम ये मसाले डाल देंगे जो हमने मिक्स किए थे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे इसे भी, जब तक कि टमाटर तेल ना छोड़ दें। ये देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसमें मसाले में हमारे। टमाटर को भी हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ये देखिए गाइस, हमारे टमाटर भून चुके हैं और तेल भी छोड़ दिया है इन्होंने। अब हम इसमें लोबिया ऐड कर देंगे और इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। और कुकर का ढक्कन बंद करके 5 से 6 सीटी लगवा लेंगे और कुकर के प्रेशर के निकलने का वेट करेंगे। ये देखिए गाइस, हमारी लोबिया की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसमें और बहुत ही आसानी से बन गई है। प्लीज इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की वीडियो आप तक पहुँच सके।